कहने कि खुद थोड़ा नाई बन गई थी घर में, उसके बाद पार्लर चली गई, पार्लर वाले तो मेरे से ज़्यादा अच्छी नाई निकली। उधर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे उसका जवाब आप लोग को देना है। सामने पूछे तो आपको तो घर छोड़ दिए क्या, भैया बोले घर छोड़ दिए करके, मैं बोली हे भगवान। बस दो दिन बाद मुझे थाने से कॉल आया कि मैडम आप थाने में आइए, आपके पति ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। पूछाने अभी मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो उसने मेरे को दो तीन लोग मैसेज किए थे दी आपके अब तक का स्टोरी से तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है। पहुँच के बोलता है कि मेरी बीवी मेरा घर का पूरा सामान लेके फरार हो चुकी है, तो उसी तीन चार महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के फोर्थ महीने से एवरीवन कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काथा सारी मेरा लाइव में आने के पहले ही सारा काथा सारी निकल गया आप। और एक चीज़ है, जिन्होंने एक बार मुझसे काथा सारी परचेस किया है, 90% ऐसे लोग हैं उन्होंने 5, 6, 7, 8 बार परचेस किया है। और जितने भी लोगों ने परचेस किया कमेंट ज़रूर करना कि हम है करके। मिताली भी हो गई, वो एक बार लेने के बाद 8 बार ले चुकी। हाँ बेटा, हाँ लेके आओ, लेके आओ, पहना दे, उधर है बैठ के ऊपर देखो। फिर और मैम है, काफ़ी सारे लोग हैं जो एक बार बाय किए थे और लिए हैं काथा साड़ी, तो भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचे हैं, बाकी सब निकल चुका है। मैं सोची मैं लाइव सेशन में दिखाऊंगी सारा काथा साड़ी, लेकिन बिना लाइव के सब सोल्ड आउट हो चुका है। तो क्या क्या बच्चे आप लोगों को दिखा देती हूँ, कौन कौन सा बच्चे, बस 3 यहाँ। क्या चीज लेके आओ ना, मैं पहना दे दूँ, लाओ। अब कहने कि मैं दिखाऊंगी नहीं कि कौन कौन सा काथा साड़ी निकल चुका है, तो कहने कि फिर आप लोग को इतना अच्छा लगे आप लोग फिर डिमांड करोगे। अब मैं लेके आऊँगी दोबारा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी ये काथा साड़ी का। ये स्टॉक करने के लिए काफ़ी सारा क्या बी कोट, अभी मासी आएगी तो लेके आएगी, ए बोलू बिस्कुट नियर शीश लेके आएगी मासी, ठीक है मैं थोड़ा बाल ठीक कर लेती हूँ। कहने कि खुद थोड़ा नाई बन गई थी घर में, उसके बाद पार्लर चली गई, पार्लर वाले तो मेरे से ज़्यादा अच्छी नाई निकली। उधर जाओ मासी लेके आएगी बेटा, मंकी वो दुख आवाज कर रही है। हाँ उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, अंदर जाओ। तो कहाँ पे थी मैं, साड़ी में थी, कहाँ था साड़ी, वाओ। तो जितना बचा है मैं आप लोगों को सोची चलो ठीक है वीडियो में ही दिखा देती हूँ। अब क्या करूँ लाइव सेशन में, देखती हूँ कल अगर लाइव आऊँगी तो लाइव में भी दिखा दूँगी, बट वीडियो में दिखा देती हूँ। लुक एट दिस काथा साड़ी, इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, और ये देखो मोर बना हुआ है, मोर में पूरा काथा डिज़ाइन है, और ये है इसका आंचल, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, ये इसका आंचल है। ये ना आपको एकदम स्मार्टी लुक देगा, एकदम स्मार्टी लुक देगा। ये हो गया आंचल, क्यों बोली, अच्छा वो उसका वो था बॉर्डर था, ये आंचल इस तरीके से आएगा। बाकी मैं आप लोगों को लेफ्ट सेक्शन में ही दिखाऊंगी। और ये एक है बस्तरिया डिज़ाइन, ये देखो पूरा सिक्वेंस का वर्क के साथ काथा वर्क किया गया है, बस्तरिया डिज़ाइन बता सकते हो। ये एक है, ये इसका बॉर्डर है, अभी दिखाऊंगी पता है क्या, टन टन, देखिए सारी पूरा हिरन हिरन बना हुआ है। बस ये लास्ट 3 पीस ही बचा हुआ है, बाकी शुभ मुहूर्त कल करेंगे लाइव सेशन में। और अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे उसका जवाब आप लोगों को देना है। सामान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, आपके क्वेश्चन मेरा जवाब, ताकि ये भी एक चीज़ है कि आप लोग ने जो कमेंट किया ना उससे भी मैं कुछ कुछ सीखी हूँ कि हाँ मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ बोलूँ आप लोग को उससे कुछ नॉलेज मिले, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्होंने मुझे बोला कि दी हमें अब तक सामान नहीं मिला है, हम बहुत अप्लाई कर चुके, बहुत कोशिश कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन पिक करती है उसका जवाब देती हूँ। ज़्यादा कमेंट नहीं ली हूँ, बहुत कम कमेंट ही ली हूँ, क्योंकि इन्हें तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। पहला कमेंट है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपका सामान क्यों नहीं मिला आज तक, जबकि वो आपका पूरा अधिकार है। तो मैं आज सामान के लिए अप्लाई नहीं की हूँ, मैं सामान के लिए तब अप्लाई की जब इशू कितने शायद 2 या 3 महीने की थी, तब मैं सामान के लिए अप्लाई की हूँ, और आज 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे सामान नहीं मिला है। और जितने बार मैं कोर्ट जाती हूँ उतने बार मैं बोलती हूँ, मेरे वकील को बोलती हूँ कि मुझे सामान चाहिए सर, मुझे सामान चाहिए। सोचो मैं मेरी बेटी को लेके कम से कम 8 से 9 महीना मैं पूरा नीचे सोई हूँ गद्दा बिछा के, और मैं घर का एक भी सामान तब नहीं खरीदी थी कि ये जो मेरा सामान है जो इन लोग लेके भाग गए। काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर उनको पता नहीं होगा भागा कैसा है, और काफ़ी लोगों को पता है कि किस तरीके से भागा है।
आप लोगों को पता होगा कि मैं और वो एक किराए के घर से रिसेंटली भी रहने के लिए ही गए हुए थे। तो उसी 3-4 महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के 4th महीने से ये सारा चीज स्टार्ट हुआ है। ये भी आप लोगों को पता है, वो अंजलि का जो कारनामा, वो सारा चीज स्टार्ट हुआ है। फिर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब मेरे को हार्ट अटैक आया, जब वो मुझे छोड़ के चला जा चुका था उस किराए के घर में और मुझे हार्ट अटैक आया, तब मुझे डॉक्टर ने कहा था आप अकेले मत रहो, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब मैं मेरे भाई के पास कुछ कपड़े लेके भाई के पास रहने के लिए चली गई। मैं, मेरा भाई रायपुर में ही रहता था, तो उस घर में मेरा पूरा घर का सामान हर चीज़ था कि चलो ठीक है, जब मुझे मेरा तबीयत सही लगेगा एक हफ्ते में मैं वापस आ जाऊँगी। तो एक हफ्ते तक भाई के पास रुकी, जब मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो भाई मुझे छोड़ने के लिए आया। उस वक्त जैसे ही जब मैं वापस जाने के लिए आई, तो हम वही नॉर्मल, मतलब मेरा भाई मेरा बैग पकड़ा था, मैं मेरे पास चाबी का गुच्छा था, एक चाबी का गुच्छा उसके पास, एक मेरे पास। तो जैसे ही मैं खोली, घर अंधेरा, मैं लाइट चालू करके भाई से बैग मांगी, तो पूरा घर खाली, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गया। सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, किचन का सामान, यहाँ तक कि मेरे सारे कपड़े, मेरे जूते, मेरे चप्पल, मेरा मेकअप का सामान, मतलब एक जो लड़की का जो प्रॉपर तरीके से सामान, पूरा घर खाली, चिट्टा पट्टा खा गई मैं। सामने पूछे तो आपको तो घर छोड़ दिए क्या, भैया बोले घर छोड़ दिए करके। मैं बोली हे भगवान, ऐसा हुआ था मेरे साथ। वो मेरा घर का पूरा सामान लेके फरार हो गया, चोर है वो, मेरा पूरा घर का सामान लेके चोरी करके भाग गया वो, सीधी बात। और उसने सिर्फ भागा नहीं, क्या दिमाग लगाया सुनो, वो मेरा घर का सामान लेके भागा तो भागा ठीक है, जिस दिन वो घर शिफ्ट किया, घर का सामान लेके भागा, उसी दिन सीधा पहुंचा जहां हम लोग रहते हैं, वहां के पुलिस थाने में पहुंच के बोलता है कि मेरी बीवी मेरा घर का पूरा सामान लेके फरार हो चुकी है, भाग चुकी है, जो सोना वोना था घर का सामान, उसके पापा ने देता हर एक सामान लेके। तो उसको पुलिस ने पूछा आप कहाँ थे, तो बोलता है मैं 2 दिन से मैं अपने अपने खुद के घर में अपने माँ के पास रह रहा था, जब मैं वापस आया आके देखता हूँ कि मेरी बीवी घर का पूरा सामान लेके फरार हो गई, भाग गई, पता नहीं कहाँ भागी, आप ढूंढ के दीजिए, ठीक से वो रिपोर्ट लिखाया था। लेकिन पुलिस वाले ने मेरे को उस वक्त कॉल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जब वो सारा चीज हम लोग देख लिए, अरे ये तो पूरा घर खाली है करके, फिर सन रह गया, फिर नीचे उतरे, मैं तो बहुत समय तक शॉक्ड थी, मेरे पैरों के तरह पूरा जमीन खिसक गया था, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, वो चोर है, सच में वो चोर है, डकैत है कि मेरा घर का पूरा सामान चोरी करके डाका डाल के भाग गया। मैं इस चोर के साथ, इस डकैत के साथ 5 साल से रह रही थी, मतलब मैं ना एकदम, उसने बोलते ना स्तब्ध होना, वो हो गई थी मैं। चलो ठीक है, तुमको किसी और लड़की से प्यार है, तुमको उसके साथ रहना है, शादी करना है, तुम वहाँ तक मेरे लिए लड़ लिए, तुम छोड़ दी मेरे को, छोड़ के भाग गए, वहाँ तक के लिए भी सही है, लेकिन तुमने एक बार सोचा नहीं कि अभी ये डिलीवरी इसका होगा, बच्चा पैदा होगा, वो कहाँ रहेगी, घर का सारा सामान लेके अगर मैं भाग जाऊँगा, मैं घर का पूरा सामान अगर मैं चोरी करके भाग जाऊँगा, मेरी बीवी उस न्यू बॉर्न बेबी के साथ कहाँ रहेगी, क्या करेगी, एक बार उसने सोचा नहीं। सोचूं मैं, वो सोच के मैं मतलब इंसानियत तक उसके अंदर नहीं रहा, एक बार सोचा भी नहीं, भाई ये लड़की बच्चा पैदा करके तो यहीं पे आएगी ना, इसी घर में आएगी, अगर घर का सामान नहीं रहेगा तो वो कहाँ पे क्या करेगी, एक बार नहीं सोचा, सामान लेके भाग गया वो। और किसका दिमाग है, उसके वकील का दिमाग है कि उसका दिमाग है कि उसकी माँ बाप का दिमाग है कि चिमकांडी का दिमाग है, मेरे को नहीं पता, उसकी गर्लफ्रेंड का दिमाग है। हाँ बेटा, कह रहा है कि रिशु बातों को समझती है ना, बातों को भी जानने लगी है, समझने लगी है, तो मैं यही बैठ के आप लोग से सब बातें शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, क्या बताऊँ आप लोग को, दिमाग दिया मुझे नहीं पता, किसने क्या बोला मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं जानती मैं, बट मैं शॉक्ड थी, और मैं ना पेट में बच्चा था, बट मैं तिलमिलाने लगी, किसको पूछूँ, कहाँ गया, भाग गया, ऐसे मानो मेरी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी उजड़ गया। मतलब मेरा एक आस था कि चल घर में सामान है तो भागा भी है तो आएगा, लेकिन अब घर का सामान लेके भाग गया, अब मेरे मन में हो चुका था अब वो कभी नहीं आएगा करके। तो आप लोग को ये है, मतलब सामान लेके भाग गया था, भागने की स्टोरी एक्शन में ये है। तो मैं जानती हूँ उस वक्त मैं क्या फील की थी,
उसके बाद हाँ उसके बाद 2 दिन बाद मुझे थाने से कॉल आया कि मैडम आप थाने में आई, आपके पति ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया। जब मैं गई तो बोला अमुक तारीख को आपके पति ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप घर का सामान लेके फरार हो गए। आप एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, आप मेरा हालत देख रहे हैं, मैं 8.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, आपको कहाँ से देख के लग रहा है कि मैं झुक पाऊँगी अभी, ना मैं झुक पाऊँगी ना मैं हिल पाऊँगी। मैं सामान घर का इतना बड़ा बड़ा सामान है, टीवी फ्रिज इतना बड़ा बड़ा सामान मैं कैसे लेके जाऊँगी बताइए, आप खुद सोचिए। तब वो देख के मेरे को एकदम स्तब्ध रह गया, नहीं मैडम आप तो नहीं लियो, आप घर का सामान लेके नहीं भागे हो, आपका पति ही भागा है मैं श्योर हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था एक दिन आएगा देखना मैडम, लेट लगेगा, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि नाक रगड़ेंगे, उन लोगों को जेल का हुआ तो उनको खाना ही पड़ेगा, लेट लगेगा बट ज़रूर खाएंगे मैडम, ऐसे बोल के बोले। ऊपर से बोले आप प्रेग्नेंट हो, आपको इस तरीके से टॉर्चर करना कहाँ की मानसिकता है, कहाँ की इंसानियत है। मतलब मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं 5 साल उस इंसान के अंदर रही जो खुद हैवान था। चलो बोलते हैं ना जिसका सकल सुध अच्छा होता है, जो शांत होता है वो अंदर से उतना खतरनाक होता है, एक्चुअल में वो वही है। चलिए ये तो हो गया, ये मतलब ये बस ऐसी रिपीट कर रही थी। किसी ने कहा कि तुम जाके लेके आओ तुम्हारा सामान, मैं ये मुझे अधिकार है कि नहीं है, मैं जाके ले आ सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मेरे वकील से पूछी थी कि सर क्या मैं मेरा सामान ले आ सकती हूँ, तो सर बोले कि तुम नहीं ला सकती। मैं बोली कैसे, तो सर ने बोला उसने तुम्हारे खिलाफ उल्टा रिपोर्ट दर्ज कराया कि तुम घर का सामान लेके भागी हो, उसने बोला कि तुम घर का सामान लेके भागी हो, तुमने बोला कि तुम्हारा पति घर का सामान लेके भागा है, ये तुमको अप्रूव करना पड़ेगा, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। मैं बोली सर उसके घर में जाके आप देख के आ सकते हो, तो लेकिन उसके घर में सामान नहीं है, वो मेरा सामान रायपुर में किसी भी जगह पे या तो वो उस अंजलि को पूरा दे दिया है, या तो मेरा सामान उसके घर में है, या तो रायपुर में कोई घर है जो किराए से वो लेके रखा है और वहाँ पे मेरे पापा का दिया हुआ सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ, जहाँ पे मेरा साड़ी है, मेरा पूरा गहना ज्वेलरी, मेरा पूरा जूते चप्पल, मेरा घर का पूरा सामान वहाँ रखा होगा, क्योंकि उसको पता है कभी भी पुलिस छापा मार सकती है, कभी भी कोई भी सबूत, अगर मोहल्ले के कोई भी इंसान गलती से एक तो को जाता नहीं है, कभी भी अगर गलती से गया घर का सामान देख लिया पक्का बात फैलेगी मोहल्ले में, कुछ भी हो सकता है, तो इस कारण से कहीं पर रखा हुआ। तो मेरे पास मैं प्रूफ कैसे करूँ बताओ, ये लोग बहुत चतुर श्याणे। अभी मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो उसमें मेरे को 2-3 लोग मैसेज कहते दी आपके अब तक का स्टोरी से तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है। वो देखो वो वही हो गया ना जो मैं बह रही थी उसके फ्लो में आप लोग भी बह गए, हो गए ना गलती का शिकार, जिस गलती का शिकार मैं हुई हूँ उस गलती का शिकार आप लोग भी यहाँ पे हो गए कि दी बहुत अच्छा था मन का अब तक यही लग रहा है, आगे देखो सब पता चलेगा, गलती का शिकार होना नहीं है। फिर हाँ फिर एक कमेंट आया कि शताब्दी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वकील क्या कर रहे हैं, मेरी एक रिश्तेदार की डिवोर्स केस चल रहा था आज करीबन 1 साल पहले, उनको 2 मंथ पहले कोर्ट के ऑर्डर से उनका घर का सारा सामान मिल चुका है। देखिए जो कोर्ट केस चल रहा था ना, अगर सामने वाला इंसान अगर अच्छा है ना, उसका नियत अच्छा है, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं, डकैत नहीं करता, तो वो सामान दे देगा। चल भाई न तू लड़की चाहिए, न तू औरत चाहिए हमको, ना तेरे घर का कोई सामान चाहिए, तेरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोग जो है, इन लोग लालची प्रवृत्ति के लोग, शादी भी लालच में किए थे, लड़की को भगा दिया, घर का पूरा सामान रख लिए, तो इन लोग चोर है, चोर मेरा घर का सामान लेके रखे, चोर है इन लोग, इस कारण से इन लोग सामान नहीं दे रहे हैं। और मतलब कोर्ट वो ऑर्डर निकाली ना, इस तरीके से लोग नियम कानून बना रहे हैं। अभी देखना कितना सारा मेरा वीडियोस ये वो क्लिप कट कर करके वहाँ पर जमा करेंगे कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वीडियो में ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, हर तरह का नया नुस्खा पुस्खा जो अपनाना है सब अपनाएंगे। किसी ने कमेंट किया आई थिंक कोर्ट से तो मिल जाता है सामान, क्या आपने कभी कोर्ट से नहीं कहा कि आपको आपका सामान दिलवाए? एग्जैक्टली मैंने सिर्फ वकील से कहा कि मुझे मेरे पापा का सारा सामान चाहिए, मैंने कभी जज साहब से नहीं कहा है। तो अब मैं वही करूँगी। अब जो बड़े सर वहाँ बैठते हैं, मुझे उन पर उनके न्याय पर पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव तरीके से सारा चीज़ें करते हैं। अब मैं उनसे कहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर मेरे घर का पूरा सामान मुझे दिलवाया जाए, बस।
और सामान की जो लिस्ट है वो मैं बहुत पहले दे चुकी थी। ये सारा क्वेश्चन आप सभी का है, और जिनको नहीं पता था किस तरीके से, मतलब हाँ आज एक कमेंट में चल रहा था कि मैं घर छोड़ के आ गई थी, मैं घर छोड़ के नहीं आई थी, घर छोड़ के वो चला गया था, मुझे वो अंजलि के पास चला गया था, मेरे को अकेला छोड़ के भाग के चला गया था। फिर जब मुझे हार्ट अटैक आया मैं भाई के पास गई, जब एक हफ्ते में तबीयत बेटर लगी, जब वापस आई आके देखती हूँ उसको पता लग गया होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ एक हफ्ते से, है ना, तो वो घर का पूरा सामान लेके फरार हो गया। फिर मैं कहाँ रहूँगी, फिर मैं वापस अपने भाई के पास ही रहने के लिए। अभी तो मैं मेरी लव स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, अभी तो शादी हुआ नहीं है, वो मेरे घर आएगा, फिर उसके घर में पार्टी होगा, एंगेजमेंट होगा, उसकी माँ मेरे को बुलाई थी, क्या बोली, फिर बीच में मैं बोली थी मैं नहीं करूँगी शादी, बहुत सारा चीज़ हुआ था। आप लोगों को धीरे धीरे सब पता चलेगा। आपसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर शरारत रहे ब्लॉग्स को, एंड देन उसे शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। चलिए अभी मैं चाहती हूँ आप सबसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें।